तो आज की स्ट्रीम जो है कुछ स्पेशल होने वाली है। क्या स्पेशल होगा आज की स्ट्रीम पे, आप लोग को बताता हूं। तो आज की स्ट्रीम में वी विल डिस्कस अबाउट गेमिंग सेटअप्स। जी हाँ दोस्तों, क्या डिस्कस करेंगे? गेमिंग सेटअप्स डिस्कस करेंगे। तो किसी भी पीसी बिल्ड करने के लिए सबसे पहले आपको सोचना है कि आपका जो पीसी होगा वो आपको किस बजट में लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बजट गेमिंग पीसी से। ठीक है, बजट मतलब 60,000 से 80,000 तक का हमारा बजट है। ठीक है, हम कितना लेके चल रहे हैं? 60,000 से 80,000 का बजट है और 60,000 से 80,000 में हम पीसी बिल्ड करेंगे, जिसमें हमारा सीपीयू होगा, पावर सप्लाई होगी, रैम होगी, मदरबोर्ड होगा और एसएसडी होगी, और साथ ही साथ उसमें हम एसेसरीज इंक्लूड करेंगे, कैबिनेट इंक्लूड होगी, बस नथिंग एल्स, और इसमें कुछ भी नहीं लगता। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बजट गेमिंग पीसी के बारे में बात करें तो बजट गेमिंग पीसी में हम सीपीयू चूज करेंगे। तो सीपीयू जो मैं रेकमेंड करता हूं फॉर अ बजट गेमिंग पीसी, आप लिटरली उस पे हल्की फुल्की स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो और गेमिंग तो अच्छी कर सकते हो। ठीक है, और यहां पर अगर हम सीपीयू अगर पिक करें तो सीपीयू आई वुड रेकमेंड कि आप i5 पे जाओ 13th gen या तो 5600X, ये मेरा काइंड ऑफ रिकमेंडेशन है। ठीक है, नहीं 11 जन लेने का कोई सेंस नहीं बनता, 11 जन लेने का कोई सेंस नहीं बनता, i5 1300 वो भी नहीं लेंगे। जी के अंदर 5600 जी के अंदर आपका इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड आता है, दैट ग्राफिक कार्ड इज नॉट वेरी पावरफुल, बट आप जाके यूट्यूब पे FPS सर्च कर सकते हो कितनी मिल सकती है, आप वैलोरेंट और आई गेस छोटी मोटी गेम्स खेल सकते हो, लाइक ओवरवॉच भी खेल सकते हो, आपको ठीक ठाक FPS आ जाएगी, नॉट वेरी एंजॉयबल एक्सपीरियंस बट या इट्स फाइन। ठीक है, अभी हमने ये चूज कर लिया, अब इससे ही रिलेटेड हमें मदरबोर्ड चूज करनी है। तो मदरबोर्ड हम चूज करेंगे जिसमें AM4 सॉकेट हो, जैसे Asus Prime है 8400 की है, AM4 सॉकेट के साथ है 5000 सीरीज, लेट्स पिक दिस 8400 की हमारी मदरबोर्ड हो गई, 15000 का प्रोसेसर है, 8000 की मदरबोर्ड हुई ना, प्लस 8000 23000 का हमारा सीपीयू और मदरबोर्ड बैठता है गाइस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे भी ओवरक्लॉक नहीं कर रहे हो, इट्स अ 5600 प्रोसेसर, ओवरक्लॉक करने की जरूरत नहीं है। अब मेन बात आती है, जब आपके पास ओवरक्लॉक वाला प्रोसेसर नहीं है, यू आर नॉट ओवरक्लॉकिंग, तो यू डोंट नीड अ लिक्विड कूलर। ठीक है, आपको लिक्विड कूलर की जरूरत नहीं है, AMD रेत स्टेल्थ कूलर इंक्लूडेड, तो फिर आपको कोई भी चीज की जरूरत नहीं है अलग से, नो सीपीयू कूलर नीडेड। अब हम चलते हैं रैम की तरफ, मैं रेकमेंड करूंगा 16GB एटलीस्ट, चाहे आप बजट गेमिंग पीसी बिल्ड बना रहे हो आज की तारीख में 2023 में, मैं रेकमेंड करूंगा आपको 16GB की रैम तो एटलीस्ट लेनी चाहिए। ठीक है, 3000 मेगाहर्ट्ज 3200 3200 3200 3200, वैसे 3200 ले सकते हो आप एक्चुअली में, नॉट अ ह्यूज डील, बट आई प्रेफर 3600 क्योंकि आप अपने जो गेम्स हैं, जैसे वैलोरेंट हो गया, काउंटर स्ट्राइक हो गया, मे बी ये सब गेम्स हैं, उसमें काफी डिफरेंस पैदा करती है, एक 3200 मेगाहर्ट्ज से अगर आप 3600 जाते हो या उसके ऊपर जाते हो। जितना लोगों को लगता है ना कि रैम इतना आपको फर्क नहीं देती, बहुत फर्क देती है। इसमें हम 4350 की 16GB की एक स्टिक लगा देते हैं, 4350 की 16GB की एक स्टिक लगा दी, हमारा सीपीयू मदरबोर्ड कूलर और रैम मिला के 27350 हो चुके हैं। काफी इंपॉर्टेंट चीजें आ चुकी हैं, बट गेमिंग पीसी की जान अभी तक नहीं आई है। तो हम बजट बिल्ड बना रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग अ हाई एंड मिड टियर बिल्ड, तो यहां पर हम GPU 3060 नहीं ऐड करेंगे। जी हां दोस्तों, 3060 बजट में नहीं आता है, इट शुड बी अ 3050 और अ 3050 Ti। ठीक है, एंड डोंट इवन थिंक कि आप 20 सीरीज पे जाओ, आई डोंट रेकमेंड, क्योंकि 30 सीरीज में आपको जो फीचर्स मिल रहे हैं ना साथ साथ में NVIDIA के, वो चीजें काफी ज्यादा डिफरेंस पैदा करती हैं। यू कैन एक्चुअली गो फॉर 3060, थोड़ा सा बजट आपका 5000 से 6000 ऊपर जाएगा, इट्स योर चॉइस बजट में आपको इसको इंक्लूड करना है कि नहीं। आप ये याद रखना, आपका प्रोसेसर काफी अच्छा है तो बॉटलनेक नहीं करेगा, एंड यू विल बी एबल टू जूस आउट ऑल द परफॉर्मेंस यू आर गेटिंग। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, हमने यहां पर ऐड कर लिया ऑलरेडी 25000 का, इससे हमारा बजट जो आ चुका है 52350। अभी हमने क्या चीजें नहीं चूज करी हैं ये देख लो आप, अभी हमने मदरबोर्ड चूज कर लिया, सीपीयू कूलर हमें चाहिए नहीं, स्टोरेज अभी तक हमने चूज नहीं करी है। तो मैं रेकमेंड करूंगा, ये बजट गेमिंग पीसी है, इसमें आप 512GB की एक SSD डालो, सिंपल, स्टार्टिंग में 512GB SSD इज मोर देन इनफ, आपके आराम से 4-5 गेम्स आ जाएंगे, आपके कुछ फाइल्स भी आ जाएंगी। अगर आपको लगता है कि आपके पास स्टोरेज की कमी है, 1 TB की एक हार्ड डिस्क अलग से खरीद के गुजर दो,
512 जीबी में मिनिमम रेकमेंड कर रहा हूँ एक एस एस डी, ठीक है 3150 की, 3200 भाई शीश गुड प्राइस, बजट बैठ चुका है 55550, ठीक है। अभी हमने क्या चूज नहीं किया है, हमने केस चूज नहीं किया है, पावर सप्लाई चूज नहीं करी है। 3680 ATX, 3 ARGB फ्रंट फैंस और एक रियर फैन प्री इंस्टॉल्ड, शीश गाइस यू आर गुड टू गो। 3680 प्लस 3680 59230 में आपका लिटरली सारी चीजें कवर हो चुकी हैं, सारी चीजें, बस पावर सप्लाई रह गई है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, पावर सप्लाई को भूलना मत। अब पावर सप्लाई मैं रेकमेंड करूंगा जो आपका बजट है, जो आपका ये है, एटलीस्ट आपको हमेशा 80 प्लस गोल्ड जाना चाहिए, 80 प्लस गोल्ड इज द स्टैंडर्ड फॉर पावर सप्लाई बाइंग, ठीक है। इससे नीचे मत लो, इससे ऊपर आपके ऊपर है, और जब आपकी अच्छी पावर सप्लाई होती है तो वो एक स्ट्रेसफुल गेम में आपके पीसी पार्ट्स को रेकमेंडेड जो पावर है वो सप्लाई कर पाएगा, एंड मान लो पावर फ्लक्चुएशन होती है आपके घर में वो झेल पाएगा। 5500 की ब्रॉन्ज ले लो, 650 वॉट, 5500 इसमें ऐड कर लो, ठीक है, प्लस 5500 इक्वल 65,000 लमसम, 65 मैंने रफली बताया है, ये आपको आराम से ऑफलाइन मार्केट पे 60 या उसके नीचे पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको आराम से 60 या उसके नीचे पड़ेगा, ठीक है। पहले माउस पे जाते हैं, माउस में जाएंगे हम, यहाँ पर ऐड करेंगे G102 1500 रुपए, ये हमारा कीबोर्ड है, 4000 रुपए का कीबोर्ड यहाँ पर दिखा रहे हैं, G335 हमारा 6500 का पड़ रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सिकपा जी ये जो भी आपने एसेसरीज रिकमेंड करी हैं मुझे तो सस्ती मिल जाएंगी और भी ब्रांड्स में, बट यहीं पे तो सीन है, आप ले तो लोगे बट वो जो क्वालिटी है ना, यहाँ पे क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं है, 2 साल की वारंटी है, सब कुछ है, तो 75,000 या 70,000 में आराम से सारी चीजें आ जाएंगी, 70,000 की बिल्ड में। तो दिस इज द बजट गेमिंग पीसी जो हमने रेडी किया है 70,000 रुपीज में, इसमें आराम से आप 70,000 में सारी चीजें बचा सकते हो। Hey guys, thank you so much for watching. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो don't forget to like this video, and ऐसी और भी videos देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना बहुत ज्यादा जरूरी है along with the bell icon, और शेयर करोगे तो दिल से अच्छा लगेगा, ऐसे ही अपनी छोटी की गेमिंग कम्युनिटी जो है और बड़ी होगी एंड और लोगों तक अच्छा अच्छा कंटेंट ऐसा ही जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई विल कैच यू ऑन माय लाइव स्ट्रीम्स। If they want the smoke, then yeah, it's no jokes, boy, it's up. In the end zone, that's a TD, we finessing, chug. Filling up the stashies, and they knowing that's a plus. Back to back, I like plays, all my moves is tough. Watch them all die out, I've been killing with my looks. Feeling like a pro.